अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का अनुमान है कि एक घंटे के अंदर दो लोगों के दरमियान दुश्मनी कराने का अमल। लेकिन इससे पहले किस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर टोना जादू सिप्ले ब्लैक मैजिक शैतानी गंदी हरकतों के जरिए कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696824150। इसके अलावा हमारा कोई भी रबता नंबर नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो दो लोगों के दरमियान दुश्मनी कराने का अमल है। अगर आपकी ये बीबी या फिर आपका हस्बैंड गलत तरीके से गलत लोगों के पास जाने लगा है, तो उन दोनों के दरमियान जिसके पास जा रहा है दुश्मनी कराने का अमल है। या फिर आपकी महबूब, आपका महबूब या फिर आपकी महबूबा जो कभी आपकी थी लेकिन किसी वजह से, खुदगर्ज़ी की वजह से या मतलब परस्ती की वजह से अब दूसरे लोगों से दोस्ती करने लगी है या दूसरे लोगों से दोस्ती हो गई है, तो उन लोगों के दरमियान जुदाई कराने का अमल, ताकि उसको एक सबक मिले और उसको एक दर्स मिले कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि दो लोगों के दरमियान दुश्मनी हो जाए, तो इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। किसी ज़माने में कोई आपका दोस्त था लेकिन अब जो है आपको यूज़ करने के बाद दूसरे लोगों के पास चला गया या चली गई है, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिसके पास गया उन दोनों में जानी दुश्मनी पैदा हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहले तो बावजू हो जाएं, बेहतर है कि रूबा क़िबला बैठ के दिन में इस तावीज़ को 3 बजे से लेकर के 5 बजे के दरमियान इस तावीज़ को लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले ये जो खाना है इस तरीके से बना लें, फिर उसके बाद जो है 11 11 11 11 जो लिखा है वैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद जिस तरीके से जो लिखा है वैसे लिख लें। अगर नहीं लिख सकते तो उसका प्रिंट आउट करवा लें। मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है फलां बिन फलां अल बुग्ज वल अदावत, तो ये इसमें फलां बिन फलां का नाम लिखेंगे, फिर बैन फलां बिन फलां दायमन अबदन, तो यहाँ पे भी उसका जिन लोगों के दरमियान कराना है उनका और उनकी माँ का नाम लिख करके इस तावीज़ को किसी तुर्श चीज़ में रख करके किसी तलख या फिर किसी कड़वे दरख्त के नीचे दफन करते, जैसे नीब का दरख्त हो या फिर और इस तरीके से नींबू का दरख्त हो तो उसके नीचे दफन कर दें। इंशाल्लाह जाने दुश्मनी हो जाएगी, सख्त दुश्मनी हो जाएगी। अगर ये तावीज़ बनाने में मुश्किल हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह ये तावीज़ हम आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।